दिन के 12 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 50 बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं न्यूज 50। मन की बात में पीएम मोदी ने छात्रों को दिया स्माइल मोर स्कोर मोर का मंत्र, का परीक्षा को उत्सव के तरह मनाया। पीएम मोदी ने छात्रों को नकल न करने की सलाह दी, कहा नकल करना आपको विफलता के रास्ते पर ले जाएगा। वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों और उनके परिवार वालों को पीएम ने दी बधाई, युवाओं से कहा ऐसे जवानों के बारे में पढ़ें और दोस्तों से शेयर करें। एवलांच में शहीद जवानों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा जवानों से देश की रक्षा के लिए गवाई जाए। शहीद मेजर अमित सागर को दिल्ली में आर्मी चीफ ने दी श्रद्धांजलि, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा। दिल्ली के बरार स्क्वायर पर शहीद मेजर अमित सागर के अंतिम दर्शन, सेना के अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में माचिल में एवलांच में दबे आर्मी पोस्ट के 5 जवानों को बचाया गया, एवलांच के चलते अब तक 21 की जान जा चुकी है। मौसम विभाग की जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम, गांधरबल, शोपियां, अनंतनाग, लेह, कारगिल में फिर से एवलांच की चेतावनी। आज भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद, उधमपुर में सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी बर्फबारी से हजारों सैलानी फंसे, नेशनल हाईवे 5 पर बर्फ जमा होने से ट्रैफिक। जयपुर में कोहरे की वजह से 70 गाड़ियां आपस में टकराई, 5 के मरने की खबर, 12 से ज्यादा लोग घायल। एक्सीडेंट के बाद 15 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा, मौके पर पुलिस भी पहुंची। कानपुर के पुखराया रेल हादसे में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, 8 अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज। जाट आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रशासन का अलर्ट, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। सोनीपत के गोहाना में धरने पर बैठे जाट, कहा सरकार जब तक वादा पूरा नहीं करती तब तक नहीं खत्म होगा धरना। जाट आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ आज शाम को होगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, रायसेना हिल्स पर होगा कार्यक्रम। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की वजह से आज केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्लाटून कमांडर के शव का अपमान, अंतागढ़ हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शव को चूहों ने कुतरा। बर्धमान के औसग्राम थाने पर हमले के मामले में 11 गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में टीएमसी का एक नेता भी शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिए जांच के आदेश, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। बर्धमान के औसग्राम थाने पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बर्धमान में गुस्साई भीड़ का औसग्राम थाने पर डंडों और ईंटों से हमला, थाने में आग लगाई, 8 पुलिसकर्मी घायल। 3 स्कूली शिक्षकों को हिरासत में लिए जाने के बाद विरोध में भीड़ हुई उग्र, कई जगह जाम लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में चुनावी रैली, दोपहर 1 बजे कोटकपूरा में बीजेपी और अकाली उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के कपूरथला और बरनाला में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी रैली, 4 फरवरी को है वोटिंग। लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो, यूपी को ये साथ पसंद है, नारे की लॉन्चिंग होगी। रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी, सूत्रों का दावा। राम मंदिर के वादे को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना, संदीप दीक्षित ने कहा बीजेपी अगर इस मुद्दे को हल करना चाहती तो बहुत पहले कर चुकी होती। घोषणा पत्र में बीजेपी के वादों को कांग्रेस ने बताया झूठ का पुनिंदा, पीएल पुनिया बोले धर्म के नाम पर देश को बांटना बीजेपी का मकसद। कोल्हापुर में एनसीपी की पार्टी सम्मेलन में शरद पवार ने किया साफ, स्थानीय निकाय चुनाव में अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस के साथ होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कौरवों की शिवसेना से तुलना करी, शिवसेना के नेताओं को बताया दुर्योधन और शकुनी। टीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी सांसद की सोमैया पर शिवसेना का निशाना, कहा महाराष्ट्र सरकार करती है बीएमसी कमिश्नर की नियुक्ति। टीएमसी समेत महाराष्ट्र के महानगर पालिका, जिला पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव के लिए आज भी नामांकन, छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी को मिल गई है अहम सबूत। मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुआ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र का सम्मान, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरि सत्संग समिति ने सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग को दिखाने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, बीजेपी ने स्टिंग की सीडी को हर बूथ पर दिखाने की तैयारी। दिल्ली के सामने आया चोरों का जूनियर गैंग, शादी समारोह में 60 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग उड़ाया, लोधी रोड में थी शादी।
दिल्ली पुलिस ने 2000 रुपए के नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 18 लाख के नकली नोटों के साथ तीन गिरफ्तार। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में एक कार ने मां और 3 साल के बच्चे को कुचला। हादसे में बच्चे की मौत, आरोपी फरार। यूपी के बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरियों से भरे ट्रक ने बाइक सवार महिला और लड़के को टक्कर मारी, लड़के की मौत। जहर की वजह से हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत, एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पुष्टि की। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, पुलिस ने एक नक्सली को भी पकड़ा। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 1500 क्विंटल कच्ची शराब नष्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम में आसाराम ट्रस्ट के नाम पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया मुक्त, 61 बीघा जमीन पंचायत को लौटाई। एमपी के टीकमगढ़ के एक स्कूल में छुआछूत का मामला, दलित रसोईया होने की वजह से सिर्फ 10% बच्चे ही खाते हैं मिड डे मील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गरीब बच्चों की मदद के लिए आ गया सीआरपीएफ, धांगरी के सरकारी स्कूल को मुहैया कराई मूलभूत सुविधाएं। कोलकाता में आयोजित मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 इस्लामिक देशों के लोगों को वीजा देने पर 3 महीने की लगाई रोक, ट्रंप प्रशासन ने जांच प्रक्रिया का हवाला दिया।